आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिक्स जनरेशन फाइटर जेट को लेकर। कमेंट सेक्शन में आप में से कई लोगों ने यह क्वेश्चन बार बार पूछा है कि क्या भारत को एक सिक्स जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। इस क्वेश्चन के बारे में जब भी कोई बात करता है तो नॉर्मली कॉन्टेक्स्ट लिया जाता है टेम्पेस्ट और FCAS का। देखिए, यहाँ पर हम लोग एक चीज क्लियर कर देते हैं कि ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो के एनालिसिस है और इस एनालिसिस के पीछे जो कारण है वो कमेंट सेक्शन में आई कुछ व्यूअर्स की कमेंट्स हैं। देखिए, किसी भी फाइटर जेट को बनाने में लगभग 20 साल के आसपास का समय लगता है। एग्जांपल के तौर पर अगर लिया जाए तो F-22 रैप्टर के ऊपर काम 1981 में हुआ था और इस एयरक्राफ्ट को US एयरफोर्स में साल 2005 में इंडक्ट किया गया था, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 24 ईयर्स के बाद में। अगर F-35 लाइटनिंग 2 की बात की जाए तो ये प्रोग्राम 1993 में शुरू हुआ था। हालांकि उससे पहले भी इसके ऊपर काम चल रहा था, लेकिन ऑफिशियली इसके ऊपर काम 1993 में शुरू हुआ था और ये एयरक्राफ्ट साल 2015 में US एयरफोर्स में शामिल किए गए थे, यानी कि लगभग 22 साल। अगर दासो रफाल की बात की जाए तो इस एयरक्राफ्ट के ऊपर काम 1980 में शुरू किया गया था और इस एयरक्राफ्ट को साल 2001 में फ्रेंच एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया गया था, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 21 ईयर्स। वहीं पर अगर यूरोफाइटर टाइफून की बात की जाए तो ऑफिशियली इसके ऊपर काम 1971 में शुरू किया गया था, लेकिन पार्टनर्स के जुड़ते जुड़ते 1979 हो गया था और ये एयरक्राफ्ट साल 2003 में सर्विस में गया था। यानी कि कहा जा सकता है कि यूरोफाइटर टाइफून के डेवलपमेंट में लगभग 32 साल का समय लगा। कई जगहों पर एग्जांपल दिया जाता है साउथ कोरियन KFX प्रोग्राम का, तो उसकी भी टाइमलाइन लगभग 20 साल की है और अभी तक ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं है। इस प्रोग्राम के ऊपर काम साल 2000 में शुरू किया गया था और पहली फ्लाइट इसी साल हुई है, यानी कि लगभग 22 साल लगे हैं इसके प्रोटोटाइप को उड़ने में। वहीं अगर इसकी तुलना में AMCA की बात की जाए तो ये प्रोग्राम साल 2010 में शुरू हुआ था और उस समय प्लान था कि जो FGFA प्रोग्राम के तहत टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी उसके बेसिस पर एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाया जाएगा। लेकिन जब भारत FGFA प्रोग्राम से बाहर निकल कर आया तब AMCA को लेकर एक फीजिबिलिटी स्टडी की गई और ये जानने की कोशिश की गई कि क्या भारत AMCA जैसे प्रोग्राम को बना सकता है। 18 महीने में ये स्टडी कंप्लीट करके भारत सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई थी और ऑफिशियली ये प्रोग्राम साल 2013 में शुरू हुआ था। माना जा रहा है कि साल 2025-26 में ये फाइटर जेट अपनी पहली उड़ान भर लेगा, यानी कि प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में लगभग 12 साल का समय लगेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि ये फाइटर जेट साल 2030 तक प्रोडक्शन में चला जाएगा, तो उस हिसाब से इस फाइटर जेट की डेवलपमेंटल टाइमलाइन 17 से 18 साल की ही होगी। यानी कि यहाँ पर प्रूफ के साथ में ये चीज कही जा सकती है कि किसी भी फाइटर जेट को बनाने में 20 से 25 साल का समय लगता है और अगर भारत को एक फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट बनाना है तो उसकी इंडक्शन टाइमलाइन से लगभग 20 साल पहले भारत को वो प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा। और उसी हिसाब से अगर आप देखें तो टेम्पेस्ट की टाइमलाइन साल 2035 की है, वहीं पर FCAS साल 2040 तक बनकर तैयार होगा, यानी कि लगभग 20 साल पहले दोनों ही प्रोग्राम इनिशिएट कर दिए गए हैं। और इस हिसाब से अगर भारत को एक सिक्स जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम शुरू करना है तो यही सही टाइम है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या भारत को सिक्स जनरेशन फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट है। वैसे तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है यस, लेकिन चीजें तब मड़ी हो जाती हैं जब आप समझने की कोशिश करते हैं कि एक सिक्स जनरेशन फाइटर जेट है क्या। इसके अलावा आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यूरोप के पास में एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम नहीं है। उनके जो लेटेस्ट फाइटर जेट्स हैं वो दासो रफाल और यूरोफाइटर टाइफून हैं, जो कि बेसिकली 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। वहीं पर अगर आप सिक्स जनरेशन फाइटर जेट की बात करें तो उनकी जो कैपेबिलिटीज बताई जा रही हैं वो है डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स, ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम्स और नेक्स्ट जनरेशन एडेप्टिव साइकिल इंजिन्स। अगर आप इन सभी चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको समझ में आएगा कि AMCA के पास में ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज होंगी। यहाँ पर हम लोग AMCA मार्क 2 की बात कर रहे हैं और क्योंकि भारत के पास में AMCA मार्क 1 के तौर पर एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बेस प्रोग्राम होगा, इस वजह से उसमें सिक्स जनरेशन टेक्नोलॉजीज ऐड की जा सकेंगी, जो एज अ पॉसिबिलिटी यूरोप के साथ में पॉसिबल नहीं है। इन थ्योरी ये चीज कही जा सकती है कि किसी भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट में सिक्स जनरेशन टेक्नोलॉजीज ऐड की जा सकती हैं, लेकिन इन टेक्नोलॉजीज के अलावा सिक्स जनरेशन फाइटर जेट में ऐसा कोई भी सिग्निफिकेंट चीज नहीं ऐड की जा रही है जिससे एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को सिक्स जनरेशन ना बनाया जा सके, स्पेशली तब जब आपके पास में अडैप्टिव साइकिल इंजन अवेलेबल नहीं है। यूरोप के पास में ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि उनके पास में फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट दी जा सकती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने
नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर जेट बना लिया है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि F-35 लाइटनिंग 2 के साथ में कुछ परेशानियां हैं। और रही बात F-22 रैप्टर की, तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर जेट F-22 से कितना डिफरेंट होने वाला है। ओवरऑल मेरे हिसाब से एक नया 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम इस समय आवश्यक नहीं है, और जब तक 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर कोई ऐसी चीज निकल कर सामने नहीं आती है जो 5th जनरेशन फाइटर जेट में ना डाली जा सके, तब तक एक नया प्रोग्राम की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।